आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं बलिया ज़िले में, क्योंकि मशहूर गायिका आज हमारे बीच मौजूद है। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये गीत आपने शुरू किया और कब से गाती हैं। नमस्कार, मैं रंजना सिंह रघुवंशी, और अभी मेरे से सवाल हुआ कि कब से गाती हैं। तो गाने का तो जुनून बचपन से था, चूँकि ये मेरे ब्लड में है। मेरे पिताजी बिरहा के बहुत ज़बरदस्त गायक रहे हैं, और मेरी माँ भी गायिका रही है, मेरी दादी भी गायिका रही हैं। लेकिन होता है ना कि कुछ का संजोग बन नहीं पाता है और लोग फेमस नहीं हो पाते हैं, और मेरा भी था, बहुत दिल था। मेरा भाई लोग भी सब लोग सिंगर हैं, सब लोग गाने वाले हैं, लेकिन मुझे मिल गया मौका। और 2017 से हमने शुरू किया है गायकी, और इसमें आने के बाद ही समझ में आता है कि रियली में ज़िंदगी होती क्या है। इंसान को कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठ के और रोने से तो कुछ होता नहीं है। और इसलिए हमने गाना शुरू किया, और आज लोग जानते हैं। क्यों शुरू किया? क्योंकि लड़कियों का होता है, मैं एक औरत हूं, और इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर कुछ कहना चाहूँगी कि लड़कियों के साथ होता क्या है कि जब वो पैदा होती हैं तो उनका नामकरण होता है, और नामकरण होने के बाद उनको जाना जाता है पिता के नाम से। फिर उसके बाद शादी हो जाती है, और शादी जिससे करी जाती है उस वहाँ चली जाती हैं, उनका कोई अपना मर्जी होता नहीं है, वहाँ पे पति के नाम से जानी जाती हैं। फिर उसके बाद बच्चे होते हैं तो बच्चों के नाम से जानी जाती हैं कि इनकी माँ है। तो पर आपका, अपना, जी, आपका घर बलिया है? मेरा घर बलिया में है, और मैं ऐसे पली बढ़ी, और मेरे पिताजी टीचर रहे हैं, और मेरी शादी जो है अभी मैं यहाँ पर चितवड़ा गाँव बरिया के पोखरा पर खड़ी हूँ। मेरा मायका है यहाँ पर, और ये बहुत ज़बरदस्त ऐतिहासिक पोखरा है। तो गाने से मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अब मेरा नेम फेम हो रहा है। इंसान यही तो चाहता है कि ज़िंदगी में नेम फेम हो और लोग मुझे जाने। और मैं भी ये नहीं चाहती थी कि मुझे बाप के नाम से, पति के नाम से और बेटे के नाम से ही जाना जाए, मेरा भी नाम होना चाहिए। और आज लोग मुझे जान रहे हैं मेरे नाम से, इसलिए मैंने गाना शुरू किया। और मैं भोजपुरी गायिका हूँ, और भोजपुरी में मैं हर तरह के गाने गाई हूँ। ये आपके होली है, छठ का है, देवी गीत है, पिड़िया का गीत है, कजरी है, जिसका मतलब हर तरह का गीत गीत गाती हूँ। अच्छा अच्छा। और कुछ राइटिंग भी करती हूँ। अच्छा। मैं कुछ गाने भी लिखती भी हूँ और स्वयं गाती भी हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपका कुछ कैसे, मतलब यूट्यूब चैनल है या कुछ? मेरा यूट्यूब चैनल है रंजना सिंह रघुवंशी के नाम से। अच्छा अच्छा। आप उसने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे तक वो मैसेज पहुँचे, हम जाने कि आप हमारे व्यूवर्स हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। तो कब से आपने चैनल बनाया? 2017 से। अच्छा अच्छा जी। देखिए, आप इनका चैनल विजिट करें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, इनका हौसला बनाएं, और एक 10 हमारे सब्सक्राइबर को ना हो तो एक दो गीत कुछ जी, सुना देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? कुछ अभी उस तरह तो छठ का सीजन चल रहा है। जी जी। तो थोड़ी सी एक दो लाइन। हाँ। दौरा दौर के लहले बानी अपना माथ पर, चलब छठी के घाट पर ना। कि दौरा दौर के लहले बानी अपना माथ पर, चलब छठी के घाट पर ना। दौरा पियरी में बन्हाइल उहवा रच रच दौरा गाइल। शुरू करते हैं। दौरा दौर के लहले बानी अपना माथ पे, चलब छठी के घाट पे ना। दौरा दौर के लहले बानी अपना माथ पे, चलब छठी के घाट पे ना। नैहर से आइल बड़े भाई भौजाई, नैहर से आइल बड़े भाई भौजाई। बहुत खूब। देखिए, इन्होंने सुनाया, रंजना जी आज हमसे मिली है, बहुत ही खुशी हुई इनसे मिलके। और भी फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।